वहीं पश्चिम बंगाल से सियासी विवाद के बीच एनएसजी का छापा पड़ा है बड़ा। जी हां, संदेशकारी में सीबीआई की टीम ने एनएसजी के साथ आरोपी शारजा शेख के करीबी के दो घरों पर छापेमारी करके बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। यहां से बड़ी बात यह है कि इस रेड में सीबीआई ने एनएसजी को बुलाया जिसने रोबोटिक मशीन्स का इस्तेमाल किया। संदेशकारी में 12 घंटे के बाद सीबीआई के साथ निकली एनएसजी की टीम। छापेमारी में विदेशी हथियार और देसी बम भी मिले हैं, कुछ विस्फोटक मिले हैं। 2 दिन पहले ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी इस मामले में। क्या क्या बरामद हुआ ये भी आपको दिखा रहे हैं। ये हथियारों का जखीरा आप देख सकते हैं। देर रात तक चली ये रेड, एनएसजी और सीबीआई ने मिलकर छापेमारी की है। इसमें देसी पिस्टल, विदेशी रिवॉल्वर, भारतीय रिवॉल्वर, पुलिस रिवॉल्वर, विदेशी पिस्टल, बुलेट्स बहुत संख्या में मिले हुए हैं। ये देखिए जरा बड़े स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इनमें क्या क्या है ये भी देख लीजिए। 9mm बुलेट्स, 0.45 कैलिबर की 50 गोलियां, 9mm कैलिबर का कार्ट्रिज, 0.380 के भी 50 गोलियां मिले हैं, 0.32 के 8 कार्ट्रिज हैं, और देसी पिस्टल है, विदेशी रिवॉल्वर है 3, इसमें एक भारतीय रिवॉल्वर है, एक पुलिस की रिवॉल्वर भी है और एक विदेशी पिस्टल भी है। आपको अपने सहयोगी सूर्याग्नि रॉय की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए। जब सीबीआई की एक टीम यहां पर आके पहुंची, यानी कि संदेश खाली के शर्बेरिया में आके पहुंची, शर्बेरिया वही जगह है जहां पे शेख शाहजहां रहा करते थे, उनको जब वो सर्च ऑपरेशंस कर रहे थे उस पर्टिकुलर घर पे जहां पे आप लाइट देख पा रहे हो, वहां पे उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स मिला, इतना ज़्यादा बारूद मिला कि उसको डिफ्यूज़ करने के लिए सीबीआई के तरफ से एनएसजी को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया गया। और उसी के बाद एनएसजी की टीम, एनएसजी के कमांडोज जो हैं, जो अभी भी यहां पर मौजूद हैं, हमारे पीछे भी अगर हम दिखा पाए, एनएसजी के कमांडोज फिलहाल यहां पे मौजूद हैं ताकि उस एक्सप्लोजिव को, उस जो भी उनको मिला है, उस एक्सप्लोजिव को डेटोनेट किया जाए, उसको डिफ्यूज किया जाए। उसी को डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एनएसजी की टीम को बुलाया गया, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। हाई एंड टेक्निक्स के जो मशीन्स होते हैं, रोबोटिक मशीन्स जो बम या फिर एक्सप्लोजिव को निकाल पाए, वैसी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया इसी इलाके में। लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो लोग यहाँ पे आसपास, इस घर के आसपास रहते थे, उनको यहाँ से हटाया गया ताकि जब डिफ्यूजन हो, ताकि जब उन एक्सप्लोजिव को ख़त्म किया जाए तब किसी को कोई हार ना पहुंचे। यहां पे फिलहाल डिफ्यूजन का काम जो है वो चालू है एनएसजी और सीबीआई के इस जॉइंट ऑपरेशन में। कैमरा पर्सन और घो के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक संदेश खाली। इतनी बड़ी छापेमारी हुई, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, लेकिन टीएमसी आरोप लगा रही है। टीएमसी क्या कह रही है सुनिए। ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई, हमारा कोई ऑपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। टीएमसी भले ही आरोप लगाए लेकिन ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही हैं, आप देखिए। और सीबीआई और एनएसजी की जब टीम पहुंची तो लोकल पुलिस भी थी और ये सब कुछ बरामद हुआ। उसके बाद से आरोप टीएमसी, लेकिन आरोपों के घेरे में कौन? टीएमसी, ममता बनर्जी, वहां की सरकार ही। संदेश खाली, जो शाहजहां शेख उसके जो करीबी हैं, दो ठिकानों पर छापेमारी होती है और हथियारों की जो बड़ी बरामदगी होती है, ये पूरा जखीरा है, देखिए जरा।